ही नहीं था कि बुलडोजर कब आया है, मुझे कोई ज्ञान ही नहीं था कि ये कब आए हैं, और ना मुझे बताया गया ना नोटिस दिया गया। मैं भी यहाँ नहीं था और मेरी वाइफ भी यहाँ नहीं थी। मेरी वाइफ अपने घर थी, पीहर में थी, और मैं कहीं किसी के पास से काम के लिए गया हुआ था। मेरे घर, मेरे बच्चे घर पे अकेले थे। जब वे लोग आए तो उन्होंने आके इनसे बदतमीजी से बात की, तो बदतमीजी से बात करने पे इन लोगों ने अंदर से कुंडी लगा ली। जिसे बचाई थी उत्तराखंड टनल में फंसे 41 मजदूरों की जान, दिल्ली में उसी का घर तोड़ा गया। वकील हसन का घर डीडीए ने तोड़ा, 41 मजदूरों की बचाने वाली रेस्क्यू टीम में थे हसन। घर तोड़ने के बाद जमकर हो रही सियासत, कांग्रेस ने बीजेपी की नीतियों को बताया दोषी, ओवैसी ने मामले को दिया धार्मिक रंग, बीजेपी हसन को पीएमएवाई के तहत दिलाएगी मकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल ने पिछले साल नवंबर में 41 मजदूर फंस गए थे। उन मजदूरों को रेड माइनस की मदद से बाहर निकाला गया था। इन रेड माइनस में से एक वकील हसन भी थे जो दिल्ली में रहते हैं। 28 फरवरी को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वकील हसन के अवैध घर को गिरा दिया, जिसको लेकर अब राजनीति हो रही है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये बीजेपी का अन्यायकाल है। हालांकि डीडीए ने वकील हसन को एक अस्थायी आवास में रहने की पेशकश की है, जिसे हसन ने ठुकरा दिया। वहीं अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि वो हसन को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिलाएंगे। आपको बता दें कि डीडीए ने 28 फरवरी को पूर्वोत्तर दिल्ली के खजूरी खास इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसके तहत हसन का घर भी तोड़ दिया गया। हसन ने कहा कि घर तोड़ने से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया था। हमने सिलक्यारा सुरंग से 41 लोगों को बचाया और बदले में यह मिला। पहले मैंने अधिकारियों और सरकार से ये घर मुझे देने का अनुरोध किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वहीं इस मामले पर कई पार्टियों के नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं। वकील हसन के घर तोड़ने वाले मामले पर प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि वकील हसन ने अपनी जान जोखिम में डालकर उत्तरकाशी सुरंग में फंसे मजदूरों की जान बचाई थी। तब अपने प्रचार के लिए भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई थी। जब प्रचार खत्म हो गया तो आज उसी वकील हसन को थाने में बंद कर दिया और उनका घर तोड़कर उन्हें बच्चों के सर से छत छीन ली। गरीबों का घर तोड़ना, उन्हें कुलचना, प्रताड़ित करना, अपमानित करना, यह अन्याय है। ये अन्याय ही भाजपा के अन्यकाल की सच्चाई है। जनता इस अन्याय का जवाब जरूर देगी। वहीं इस मामले में ओवैसी भी कुछ टूट पड़े हैं। उन्होंने इस पूरे मामले को धार्मिक रंग देने की कोशिश की है। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर घर गिराने की आलोचना की। ओवैसी ने लिखा, किसी भी सभ्य समाज में उन्हें राष्ट्र के नायक का दर्जा दिया जाता, पर शायद उनका नाम वकील हसन है, इसलिए मोदी राज में उनके लिए सिर्फ बुलडोजर एनकाउंटर वगैरह ही मुमकिन है। विवाद बढ़ता देख बीजेपी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने गुरुवार को कहा कि नियम कानून के चलते वकील हसन का घर गिराया गया। हमने आश्वासन देते हुए कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जल्द घर दिलाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि हमने उन्हें सम्मानित किया तो उन्होंने मेरे सामने यह मुद्दा उठाया था, लेकिन जब हम इस मामले की तह तक पहुंचे तो कुछ कानूनी अड़चने थी। वहीं हसन का नाम पीएमएवाई के लाभार्थी की सूची में शामिल किया जाएगा और उन्हें बहुत जल्द एक घर दिया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तरकाशी टनल हादसे में रेड माइनर्स की मदद से ही सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाला गया था। बाकी इस मामले में आपकी क्या राय है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। फिर मुझे नई अपडेट के साथ, अपने लिए आप बने रहिए।